हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। तो आज की जो रेसिपी हमारी वो है वेजिटेबल सैंडविच बिना कुक किए। जी हाँ, मैंने यहाँ पे एक सैंडविच बनाया है, वेजिटेबल सैंडविच, जिसको मैंने बिना कुक किए बनाया है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे बना सकते हैं। ये जो सैंडविच है ब्रेकफास्ट में बहुत हेल्दी होता है। अगर आपको फटाफट से ये सैंडविच बनाना है तो आप ये वाला सैंडविच जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो और ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि हमने इसमें सैलेड यूज किया है, टमाटर, प्याज और ककड़ी यूज की है, तो आप जरूर ट्राई करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और देखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो ब्रेड ली हुई है और चाकू की मदद से हम इसकी ये कॉर्नर कट कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने कट कर दिए। अब हम सैंडविच तैयार करते हैं। अब हम इस पे ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे। ये देखिए, ग्रीन चिली सॉस मैंने लगा दिया है। अब मैं इस पे वेजिटेबल्स रखूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी काला नमक, थोड़ा सा ऐड करेंगे। अब डालूंगी ब्लैक पेपर टेस्ट के लिए थोड़ा सा। ये देखिए, अब ये वाला जो ब्रेड है इसको हमें कुछ इस तरह से ऊपर रख देना है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। तो ये देखिए, तैयार है हमारा झटपट बन जाने वाला वेजिटेबल सैंडविच। तो अब हम इसको कट करके देखते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया है दो पीसेस में। आप देख सकते हैं कितना अच्छा, ये देखिए सैंडविच हमारा तैयार है बिना कुक किए। ये देखिए, बिना इसको ग्रिल किए, बिना इसको पकाए हुए ये सैंडविच तैयार है। और ये बहुत हेल्दी होता है, आप भी बनाइए घर पे। और अगर ये सैंडविच की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ या आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।